और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, एटीएम के जरिए भी ठग आपकी गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं। इसके लिए वो एटीएम मशीनों में छेड़छाड़ कर आपके एटीएम की क्लोनिंग कर लेते हैं, जिसके जरिए एटीएम का सारा डेटा मिनी डिस्क में ट्रांसफर हो जाता है और आपकी जेब साफ कर दी जाती है। अगर आप यूज करते हैं एटीएम तो हो जाएं सावधान, आपकी एक चूक लगा सकती है आपको बड़ा चूना। जी हाँ, एटीएम यूजर्स के लिए ये खबर बेहद अहम है, क्योंकि आपके आसपास मौजूद हैं ऐसे शातिर ठग जो पलक झपकते ही आपको लाखों का चूना लगा सकते हैं। ठगों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए वो आपका एटीएम क्लोन कर आपकी जेब साफ कर सकते हैं। देश भर में कार्ड क्लोनिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आपके एटीएम कार्ड के पिन को रीड किया जाता है, आपके कार्ड की ब्लैक स्ट्रिप को कॉपी करके पैसे निकाले जाते हैं। आपके पिन को जानने के लिए एटीएम की पैड के ऊपर एक कैमरा फिट कर दिया जाता है, जिससे जब आप पिन डालते हैं तो वो वीडियो में पिन नंबर आ जाता है, जिसके इस्तेमाल से ठग आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। ये सब होता कैसे है वो आपको वीडियो के जरिए समझाते हैं। इस वीडियो में एक शख्स एटीएम क्लोनिंग में लगे ये सभी गैजेट्स पकड़े हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एटीएम के कीपैड के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा है, जिसमें आपके पिन की जानकारी रिकॉर्ड होती है। वहीं इस जगह पर एक छोटी सी मशीन लगी है, जिससे आपके कार्ड की ब्लैक स्ट्रिप की कॉपी की जाती है। मैं हर एटीएम में कार्ड डालता हूँ तो ये खींच के देख लेता हूँ। बिल्कुल जरूर के बहुत कांड हुए ऐसे। नहीं, ये चिपका हुआ देखो। हाँ, ये देखो, ये कैमरा है, ये देखो, ये बाहर निकल आई है, ये देखो, ये चिप चालू है, देखो ये बैटरी लगी है, ओरिजिनल ये है। ये कैमरा बैंक का एटीएम है सफदरजंग इनक्लेव में। इसमें देखो भाई, ये रिकॉर्डिंग इसकी चालू है और ये लगा देखो, इसमें ये रहा 16 GB का मेमोरी कार्ड, देख लो भैया। इस पूरे सिस्टम को एटीएम में कुछ इस तरह से फिट किया गया है कि किसी को शक ना हो। हालांकि बैंक्स ने अब एटीएम कार्ड के बढ़ते इस फ्रॉड को खत्म करने के लिए एटीएम कार्ड फ्री ट्रांजैक्शन शुरुआत की। ये देखो जी कैसे लगा हुआ था इसमें, कैसे लगता है ये, ऐसे लगता है इसके अंदर, और ये लगा के दिखाओ भाई साहब, ये देखो, हां ये हो गया ना। हां हां, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्रॉपर ऐसे लगा होता है। और उसके बाद ये प्लेट ऐसे लगी होती है कैमरे वाली, ये जी, ये लग गई, ये जी, देखो भाई साहब, अब आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, अब आपको पता कैसे करना है, आपको जब भी कार्ड डालो उससे पहले ये होल्डर, इसको हमेशा खींच के देखो, ये बाहर आ जाएगा भाई साहब, अगर लगा रखा होगा किसी ने। ये देखो क्लोनिंग, और उसके बाद ये, और ये प्लेट है उसमें, ये देखो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो SBI ऐप के जरिए आप 6 डिजिट का एक कोड जनरेट कीजिए और अपनी रकम डालिए, और उसके बाद उस पिन को ATM में डालकर बिना कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने योनो के माध्यम से एक योनो कैश की जो सुविधा चालू करी है, जिसके अंदर आपको ATM मशीन में अपना ATM कार्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपना पिन नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, योनो ऐप के अंदर ही एक योनो कैश का एक प्रावधान किया गया है। आप उस योनो कैश के ऊपर 10,000 रुपये तक योनो कैश के माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जानकार मानते हैं कि कुछ उपाय करके अपने अकाउंट को सेव किया जा सकता है। अपना अकाउंट नंबर या ATM कार्ड किसी से साझा न करें। पेट्रोल लेते वक्त कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पिन को छुपा कर और अपने सामने रखें, और रसीद जरूर लें। हर 2 महीने में अपना पिन नंबर जरूर बदलें। फ्रॉड हो जाने की दशा में पुलिस में इसकी शिकायत जरूर करें और ब्रांच को भी लिखित शिकायत भेजें। से ATM क्लोनिंग में ही अगर हमारे पास शिकायतें आती हैं तो हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद CCTV फुटेज वगैरह सारा देखते हैं, और अगर हमें ये साबित हो जाता है कि कस्टमर कहीं इन्वॉल्व नहीं था और ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, तो वी रिम्बर्स द कैश, वहाँ पे बैंक बियर करते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे बैंक में ये पद्धति होगी और कस्टमर को केवल प्रिकॉशन लेना है। हमारी इस रिपोर्ट से साफ है कि ठग आपकी गाड़ी कमाई में सेंधमारी करने के लिए अलग अलग तरीके याद कर रहे हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ATM मशीनों के जरिए। RBI की रिपोर्ट की माने तो देश में ATM में होने वाली जालसाजी का ग्राफ बढ़ा है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड में भी इजाफा हुआ है, जो 17% तक बढ़ गया है। RBI की रिपोर्ट साफ तौर पर इशारा करती है कि जिस तरह से भारत लगातार डिजिटल होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ बड़ी चुनौती इस बात को लेकर के है कि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जो अथॉरिटीज के साथ साथ लोगों के लिए अब चिंता का सबब बनता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।